अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 115। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक फेस प्लेस ऑफ मैकेनिकल इन 3D। 3D में आप फेस प्लेस कैसे बनाते हैं, जो कि मैकेनिकल ड्राइंग्स का एक ऑब्जेक्ट का नाम है। और उसके अलावा इसमें सर्कल कमांड, ट्रिम कमांड, एक्सप्लोड कमांड, सर्कल, एक्सट्रूड एंड डिफरेंट कमांड्स हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और आपको पहले बताता चलूँ कि जो ड्राइंग बनानी है वो कौन सी ड्राइंग है। आप ये वाली ड्राइंग हम बनाएंगे, देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, यहाँ से भी आपको बता दूँ कि कौन सी ड्राइंग बनाएंगे आज। ये ड्राइंग है, देख सकते हैं, ये वाली ड्राइंग है। इस ड्राइंग पे काम करेंगे, देख सकते हैं। ओके, तो न्यू ड्राइंग लेता हूँ मैं और इसी ड्राइंग के लिए मैं इस ड्राइंग को ओपन करता हूँ क्योंकि इसे देख के मैंने बनाना है। तो मैं ओके, अच्छा, तो मैं यहाँ से ऑटोकैड ओपन करता हूँ और इस पर काम करता हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने एक सर्कल लेना है, सी एंटर करता हूँ और इसको मैं टॉप पे रखूँगा, फ्रंट में सॉरी। और सर्कल के लिए सी एंटर, सर्कल में देता हूँ 5 का, एंटर करता हूँ। इसको ऑफसेट देता हूँ ओ, एंटर, और ऑफसेट को देता हूँ 2। 2 का अगर ज़्यादा होता है तो मैं इसको दे देता हूँ जी 1.5 का, ओ एंटर, 1.5 एंटर, सॉरी ओ एंटर, 1.5 एंटर। ओके, सही है। मिड पॉइंट इससे वहां से लाइन में लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ, एक्स एल एंटर, इसके मिड पॉइंट से F8 प्रेस करता हूँ। ओके, ऑफसेट देता हूँ ओ एंटर और 1 एंटर ऑफसेट देता हूँ। इसको ऊपर की तरफ अपने ऑफसेट देना है, ऊपर की तरफ ऑफसेट देता हूँ, नीचे की तरफ नहीं देना क्योंकि ये शेप जो है बहुत ज़्यादा सर्कल बन जाएगा और सही मज़े की मतलब शेप नहीं बनेगी बिल्कुल एक्यूरेट। ओके, अब मैं यहाँ से इसके मिड पॉइंट से लाइन लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ, इसको ऑफसेट लेता हूँ ओ एंटर, यहाँ से ऑफसेट लूँगा इस एरिया तक, तो यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ ओ एंटर 4, 4 कम है तो मैं ओ एंटर 8 एंटर। ड्राइंग को देख लूं, ओ एंटर 10 एंटर करता हूँ और 5 का डबल लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ट्रिम करता हूँ TR डबल एंटर, इस एरिया को भी ट्रिम करता हूँ, इस एरिया को भी ट्रिम करता हूँ, इसके बीच वाली इस लाइन को, सॉरी बीच वाली ये जो लाइन है इसको डिलीट करता हूँ, TR डबल एंटर, और इसको भी ट्रिम करता हूँ, इस लाइन को भी ट्रिम करता हूँ, इसको ट्रिम करूँगा, इसको ट्रिम करूँगा, इसको ट्रिम करूँगा और इसको ट्रिम करूँगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक शेप रेडी हो गई है। और अब इस पर काम करने के लिए मैं यहाँ से इसे 3D व्यू में लेके जाऊँगा और उसके लिए मैं इसके यहाँ से इसको टॉप पे पहले लूँगा टॉप, और फिर यहाँ से 3D व्यू में लेके जाता हूँ इसको, और इसको यहाँ से मैं जो है तो रीजन कमांड अप्लाई करता हूँ, REG एंटर, सिलेक्ट एंटर, एक्सट्रूड कमांड यूज़ करता हूँ, यहाँ से स्पेस, और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 7-8 तक मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, देख सकते हैं आपको ऑब्जेक्ट बन गया। और अब इसको मैं टॉप से, बल्कि इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टॉप पे ले आता हूँ, एल एंटर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सी एंटर करूँगा इसके,
सेंटर पॉइंट से एंटर करता हूँ, एल इंटर करता हूँ और यहाँ पे एल इंटर करता हूँ। यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट में सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी इंटर करता हूँ, टू देता हूँ, देखता हूँ टू कितना है, बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको सर्कल करता हूँ, सी इंटर वन, और अब इसी को मिरर करता हूँ, एम आई एंटर, सेलेक्ट राइट क्लिक और इसको यहाँ से यहाँ मिरर करूँगा, इनको डिलीट करता हूँ मैं, और अब इन दोनों को मिरर करना है तो उसके लिए मैं एम आई एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस करता हूँ इसके यहाँ पे सेंटर पॉइंट से, मैं इसको उस साइड पे मिरर कर लेता हूँ। ओके, थ्री डी व्यू में लेके जाता हूँ इसको, थ्री डी व्यू में आ गया, और अब मैं इसको यहाँ से प्रेस पुल कमांड की मदद से मैं इनको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इसको बॉटम में, तो मैं इसको शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसको थोड़ा इस तरह रोटेट करता हूँ, और सॉरी यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ, सब्ट्रैक्ट एस यू एंटर करता हूँ, अगर प्रेस पुल कमांड से काम नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस स्पेस एस यू एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें स्पेस और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करें। ओके, प्रेस पुल कमांड यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एस यू एंटर सब्ट्रैक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें। आप देखते हैं जी इसको इलास्टिक व्यू में लेके जा के देखता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है कि नहीं, शिफ्ट को प्रेस करके मूव करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ तो हो गया, लेकिन मसला ये हुआ कि हमने जो सर्कल ड्रॉ किया तो वो हमने बॉटम में नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो उसके लिए आप प्रेस पुल कमांड यूज़ करें, इस एरिया से नीचे की तरफ इसको ख़त्म कर दें, इसीलिए प्रेस पुल कमांड हमारे पास काम नहीं कर रही थी। ओके, आप बार बार व्यू को चेंज करके देखा करें, और उसके अलावा आप वायर फ्रेम वगैरह करके आप देखा करें, तो देखिए आप पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।